कलाई कस के गोपी पकड़े हैं। कन्हैया सोचने लगे कि अगर आज मैया के पास गए तो मैया आज बिना पीपी बचेंगे। कन्हैया के साथ बाप ब्रज के लली लला और जा रहा है। कन्हैया ने विचार बनाया कैसे मार से आज बच जाए। कन्हैया कहने लगे गोपी तुझे मोह खोले जा रही है और दरवाजे पे मेरे बाबा मंद बैठे होंगे तो ये बिल्कुल शर्म ना आए। गोपी सोचने लगी ये बात सही है, इतने बड़े बाबा नंद और हम मुंह खोले तो गोपी ने लंबा सा घूंघट मार लिया। फिर कन्हैया कलाई को पकड़ा फिर चलने लगी। कन्हैया कहने लगे गोपी तू एक बात बता, मेरी जब कलाई में बहुत देर से पकड़े पकड़े दर्द है भी लगो और तू जान जा कि मेरे मैया मुझे बहुत चाहे, अगर मुझे कुछ हुएगा तो छोड़ेगी ना। तू जब कलाई को छोड़ के अगर मेरी दूसरी कलाई पकड़ ले तो। गोपी ने सोचा सही बात है, कन्हैया की कलाई छोड़ करके दूसरी कलाई पकड़नी चाहिए। जैसे कन्हैया ने बाकी लला को हाथ के हाथ में पकड़ा दो और खुद भागे चले गए। सबसे पहले मैया के पास पहुंचे, कहने लगे मैया देखे आज मैं काऊ के घरे ना गए। जसोदा मैया कहने लगी सही बात है, मेरे लला काऊ के घरे ना गए। तो मैया की देख रही है कोई ना कोई गोपी और थोड़ी बहुत देर में उड़ानों लेके आवती हुई। देख मैया ना काऊ का दहिया चुराओ ना काऊ का दूध फैलाओ ना काऊ की मटकी फोड़ो। जब तक कन्हैया मैया से बात कर रहे थे और तब तक वो गोपी लला को हाथ पकड़े लंबा घूंघट मार दरवाजे पे आ गई मैया। कन्हैया कहने लगे देख मैया मैंने कही मैं आज काऊ के घर ले गाओ तो कोई ना कोई गोपी आवती होगी। दरवाजे पे आवाज लगा रही आज जसोदा मैया मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई आज तो जाने मेरा सब सत्यानाश ही करता रहा। और गोपी आवाज लगा रही है बंद के बालों में हाथ मार रही है मैया सुने आ राजा मेरी मान ले मैं तारी बात मेरी मान या फोड़ा रे तैया फैलाए डाटा सुनी।